महाराष्ट्र अमरावती जिले के अंजन गांव फुर्जी में रोग प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली चाय केंद्र एक युवक ने शुरू किया, जिसका उद्घाटन स्थानीय आमदार के हाथ किया गया। देखिए अमरावती से साजिद सौदागर की खास रिपोर्ट। कोरोना काल में रोग प्रतीक्षा बढ़ाने के लिए लोग नए नए दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे महाराष्ट्र में अमरावती जिले के अंजन गांव सुरजी में निखिल ठाकरे, उन्होंने अहम पहल करते हुए रोग प्रतीक्षा बढ़ाने वाली चाय केंद्र शुरू किया। अंजन गांव सुरजी में शंघाई नाके पर सेवा नाम से चाय केंद्र है। शहर में वह भी कड़क और बेहतरीन स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। चाय की दुकान के भगोने से निकलने वाली मीठी मीठी खुशबू खासकर रात में ठंड से ठिठुरते लोगों को बहुत राहत पहुंचाती है। चाय के तलबगारों को यह खुशबू अपनी तरफ किसी चुंबक की तरह खींच लाती है। इस रोग प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली चाय केंद्र का उद्घाटन स्थानीय आमदार वल्लंबत बाऊ वानखेड़े के हाथों किया गया। इस मौके पर शहर के नगर अध्यक्ष कमलकांत जी लाडोले, माजी आमदार रमेश जी बुंदीले, तहसीलदार विश्वनाथ जी गुगे आदि उपस्थित थे। कोरोना जानलेवा एक बीमारी है, गर्म चीजों का उपयोग करना चाहिए। चाय वो शरीर को गर्म रखता है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक होटल खोला है, सेवा अमृतुल्य। So this is a place, Seva Amrutulya, and this is such a nice place and great place for refreshing yourself and having evening tea or something. We usually come here with family, and this is, I think, the best place here in our city. Thank you. चाय फ्रेशनर का ये स्पॉट है सेवा अमृतुल्य। ये आपके शहर का बहुत बेहतरीन स्पॉट है। अक्सर हम लोग इस फैमिली एंजॉय करने के लिए, रिफ्रेश होने के लिए बेहतरीन जगह पे आते हैं। वाकई में इट्स ग्रेट टेस्ट एंड ग्रेट रिफ्रेशनर सेवा अमृतुल्य। थैंक यू।